लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में इस्तीफों का दौर जारी है। अब कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर अपने इस्तीफे की जानकारी दी। लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी भी कांग्रेस पद से पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्तीफे का ऐलान करते हुए ट्वीट किया, जनादेश स्वीकार करते हुए और हार की जिम्मेदारी लेते हुए मैंने राहुल गांधी को कांग्रेस महासचिव पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मैंने राहुल गांधी को इस जिम्मेदारी को सौंपने के लिए और मुझे पार्टी की सेवा करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं। बता दें आपको कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई थी। इन चुनावों में सबसे ज्यादा खास बात यह थी कि कांग्रेस के दिग्गज नेता भी अपनी सीट हार गए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मध्य प्रदेश की गुना सीट से हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की कुल 29 सीटों में से 28 सीटें झटक कर कांग्रेस को हैरान कर दिया था। बड़ा उलटफेर भी देखने को मिला था। गुना सीट से सिंधिया पिछले 4 बार से जीतते आ रहे थे। इस सीट को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था। मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट ने कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी के केपी यादव से 1,25,549 वोटों से मात दी थी। इस सीट पर छठे चरण में 12 मई को वोटिंग हुई थी, जिसमें क्षेत्र के कुल 16,74,676 वोटरों में से 70.02% ने अपना मताधिकार इस्तेमाल किया था। इससे पहले मुंबई के कांग्रेस अध्यक्ष मिलिंद देवड़ा ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। यानी कि अब कहा यह जा रहा है कि सिंधिया के इस्तीफे के बाद प्रियंका गांधी को कमान सौंपी जानी लगभग तय मानी जा रही है। सचिन पायलट और प्रियंका गांधी में कॉम्पिटिशन है। अब देखना होगा कि क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालती है। ANP न्यूज रूम से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।